नमस्कार साथियों, जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं, आज की हमारी वीडियो शिक्षक अध्यापक साथियों के लिए है कि ई अटेंडेंस के विरोध में लामबंद होंगे शिक्षक। ई अटेंडेंस को लागू करने ऐप डाउनलोड करने की समय सीमा 5 जून निर्धारित कर दी गई है। पूर्व में इस व्यवस्था के लिए शिक्षकों के विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इसको बंद करने की घोषणा की थी, पर फिर से इसे लागू किया जा रहा है। इसके विरोध में शिक्षकों ने लामबंद होना शुरू कर दिया है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, जिससे सभी शिक्षक अध्यापक साथियों को इस वीडियो की जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करूँगा, अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और पास में आएगा बेल का आइकन, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। आप हमारे चैनल के सदस्य बन जाएंगे और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं लेक्चर को। आपका दोस्त चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, और पास में आएगा बेल का आइकन, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। और वीडियो पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। है जानकारी, मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री योगेंद्र दुबे ने दी। संघ का कहना है कि शिक्षकों को अपने मूल कार्य के साथ अनेक गैर शैक्षणिक कार्य भी सौंपे जाते हैं, इस कारण से इस व्यवस्था का 100% लागू होना कठिन है। संघ के रॉबर्ट मार्टिन, आशुतोष तिवारी, सुरेंद्र जैन, प्रशांत शुक्ला आदि ने कहा कि यदि आदेश तत्काल वापस नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मांगें पूरी नहीं हुई तो 24 को सीएम हाउस घेरेंगे अध्यापक। जबलपुर आज़ाद अध्यापक संघ की बैठक में निर्णय लिया गया है कि 21 मई तक उनकी मांगों पूरी नहीं हुई तो 24 को प्रदेश भर के अध्यापक सीएम हाउस का घेराव करेंगे। यह जानकारी आज़ाद अध्यापक संघ के महासचिव वीरेंद्र पटेल ने दी। कहा कि 21 जनवरी 2018 को मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि अध्यापक अब शिक्षक कहलाएंगे, इसके आदेश आज तक जारी नहीं हुए। 24 मई की रैली में शामिल होने की अपील संघ के देवी सिंह पटेल, अवधेश साहू, रामगोपाल साहू, कमल किशोर चौरसिया आदि ने की है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे सभी अध्यापक शिक्षक साथियों को इस वीडियो की जानकारी मिल सके। और दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी कोई राय हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।